पहला दिन था अपना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे। देखो स्केल में पहले मैं बता दूँ क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको RF देते हैं और उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। सीधी बात ये, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या याद करना पड़ेगा कि 10 मिलीमीटर है, उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर का 1 मीटर, और 10 मीटर का 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर का 1 हेक्टामीटर, और 10 हेक्टामीटर का 1 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर का 1 मीडियामीटर होता है। इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ, मैं इसको कन्वर्ट करना बता देता हूँ अभी आपको कि इसको कन्वर्ट कैसा किया जाता है। देखिए, आपको पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में, क्या पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। क्या पूछ लिया आपसे कि 1 किलोमीटर में कितने, सॉरी, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप जाइए यहाँ पर, ये चार्ट ऐसे कैसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आप जाइए इस पर, और यहाँ जाकर क्या करोगे आप कि मीटर कहाँ है, मीटर ये, इसमें मीटर कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है मीटर ये, इसमें मीटर दिख रहा है 1, 2 और 3, समझ में आ गया कहाँ दिख रहा है मीटर। इस लाइन में जाओ, मीटर कहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो 1 0, 2 0, 3 0, तो यहाँ कर लो 3 0 और लिख दो आगे मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आपको सेंटीमीटर नहीं पता, तो आप क्या करोगे, देखो कि सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 और 5 0, इसके आगे 5 0 आप यहाँ पर लगा दो, ये क्या हो गया, 1 लाख। तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर। इसी प्रकार हर में आपको कर, जैसे आपसे पूछते हैं 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, डेकामीटर ये रहा, मीटर कहाँ है ये, 100, अर्थात 100 मीटर का क्या होगा, 1 हेक्टोमीटर, सॉरी ये मैंने गलत प्रोनाउंस कर लिया, हेक्टामीटर होगा, क्लियर। ऐसे आपसे बोलेंगे 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, ये पूछ लिया मान लो आपको, तो डेसीमीटर यहाँ सामने जाओ और मिलीमीटर तक गिनते जाओ, 1 2 3 4, 4 0 लगा दो, मतलब 10,000 मिलीमीटर का क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको कन्वर्ट करना है, बस आप इसको याद रख लो, कुछ भी याद नहीं हो तो आप एक सीक्वेंस याद रख लो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर और हेक्टामीटर और किलोमीटर, ये एक सीक्वेंस याद कर लो आप, 10-10 लगाते जाना, आराम से इजी गोइंग याद हो जाएगा। इतनी बड़ी बात, ये जब आपको हो जाएगा तो बहुत सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसको मैं एक रिप्लाई करके, इसको अप्लाई करके बताता हूँ कि ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन बन गया आपके सामने, ठीक है। धरात RF 1:50,000 है, ठीक है, RF 1:50,000 क्या है, 50,000 है। इसका मतलब ये जो है, इसका मैं भी आगे एक बार एग्जाम्पल मैंने बताया है, डिटेल पढ़ेंगे कि एक क्या है और 50 हमारे पास क्या है, इस प्रकार हम इसको याद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ देखो, धरातल इसका क्या मतलब है कि धरातल की ये, धरातल ये है मानचित्र, हमेशा RF में एक होता है वो हमेशा मानचित्र की दूरी बताता है, किसकी बताता है भैया, मानचित्र की, और ये जो बताता है वो बताता है धरातल की, ये याद रखना है। ये हम इसको हर कहते हैं, हर में होता है और ये होता है अंश, दोनों का मान समान होता है, ये एक है और ये 50, ये इनकी इकाई एक होगी, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा, ये अगर इंच में है तो ये भी इंच में होगा, इकाई हमेशा सेम होगी। ये है, इसका मतलब अब ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को बता रही है। अब 50,000 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर में जो कितने होते हैं भाई, 1 लाख सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया आधा किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर आधा किलोमीटर बता रही है, 2 सेंटीमीटर क्या होगी, 1 किलोमीटर बताएगी, समझ में आ रहा होगा। तो आपको आ गया 3 सेंटीमीटर किसको बताएगी, 3 सेंटीमीटर 1.5 किलोमीटर को बताएगी, मतलब आधा करना, जस्ट 4 है तो 4 कितने बताएगी, 2 किलोमीटर को। तो अब एक क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके कि धरातल की 6 किलोमीटर दूरी को मैप या मानचित्र पर कितनी दूरी पर व्यक्त किया जाएगा, आपको इकाइयाँ दे दी यहाँ पर, अब आपको बताना है। अगर ये यूनिट टेबल याद है तो आप इसको तुरंत बता दोगे। देखो कैसे, हमें पता लग गया कि 1 सेंटीमीटर आधा किलोमीटर को, 2 सेंटीमीटर की बता रही किसको, 6 को, मतलब सॉरी 1 किलोमीटर को, तो मतलब जस्ट दुगनी सेंटीमीटर आएगी किलोमीटर से,
ये आ गया 4 सेंटीमीटर थी 2 किलोमीटर थी, यहाँ 6 किलोमीटर तो 12 सेंटीमीटर। हमें ये पता लग गया इसमें कि यहाँ पर आएगा 12 सेमी। ये अपना आंसर आ चुका है। लेकिन इसमें 12 तो एक ही जगह है और ये जगह सेंटीमीटर तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब 6 सेंटीमीटर है तो ऐसे गलत हो गया। आपको अगर कैलकुलेशन आती भी नहीं आती तो भी आप इसको निकालोगे। हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, इंटू कर लो तो ऐसे आप कन्वर्ट करना होगा तो भी आप इसका आंसर ये ऐसे निकाल दो। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी हैं और आते रहेंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने रखा है। अब देखिए ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद। अब ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका भी कोई इलाज नहीं मेरे पास। 12 इंच 1 फुट, 3 फुट 1 गज, 220 गज बराबर 1 फरलांग, 8 फरलांग बराबर 1 मील। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब आप इसको कन्वर्ट करना सीख जाओ कि 3 फुट है, 1 फुट में 12 इंच, 3 फुट में कितनी हो गई 36 इंच, 36 इंच में मतलब क्या हो गया 1 गज। इसी प्रकार 220 गज का क्या होता है 1 फरलांग, तो 220 गज है 1 फरलांग है, तो आप कन और आपको ये पता है कि 1 गज में 1 गज में क्या है 36 फुट है, तो आप इसको इंटू करो तो आपको पता लग जाएगा। मैं रटना नहीं है, आप इसको 220 इंटू कर दो 3 से, कितना आ जाएगा 660। 660 फुट का क्या होता है 1 फरलांग होता है, 660 फुट का 1 फरलांग 3 से कर लो। लेकिन अगर इंच में पूछ ले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 36 इंच है और इसको अपन को क्या करना पड़ेगा 1 गज में 36, तो यहाँ 220 गज है, तो पहले तो 36 इंटू 220 कर लो तो आपको आ जाएगा 1 फरलांग में 7920 क्या होती है इंच होती है, इंच का निशान होता है ऐसा, ठीक है ये इंच होती है। इसी प्रकार 8 फरलांग, 8 फरलांग में 1 मील, तो 8 फरलांग में क्या होगी 1 मील होगी, तो आपको ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, आपको ये पता लग गया। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये हो गया कि इसमें कितने गज है, तो अब गज निकालना है, तो गज निकालने के लिए क्या हो जाएगा 220 इंटू 8 कर दो, तो क्या हो जाएगा 1760 गज का क्या होता है 1 मील होता है। इसी प्रकार अगर फुट निकालना है तो आप इसमें से वैसे फुट निकाल सकते हो कि फुट कितनी होगी, हमें पता है 1 गज में क्या है 36, तो 1700 जो हमारे पास है 1760 ये गज है और 1 गज में हमें पता है क्या है 36 इंच, तो इसको 36 से इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगी इंच, इंच निकल गया तो ये क्या आ गया 63360 इंच आ गई हमारे पास। अगर आपको पता है ये गज है, अब इसमें क्या निकालना है फुट निकालनी है, तो हमें पता है 1 गज में क्या होती है 3 फुट, तो 1760 इंटू 3 कर दो तो 5280 फुट आ जाएगी, तो ये इकाई हमारे पास आ गई। अब आ जाओ इसका क्वेश्चन देखो आप, एक अप्लाई ऐसा क्वेश्चन इसमें आता भी है। RF 1:1 190,080 का कथनात्मक रूप है, इसको कथन में कैसे व्यक्त करेंगे, 1 इंच प्रदर्शित करता है 3 फरलांग को, या 1 इंच प्रदर्शित करता 8 फरलांग, या 1 इंच प्रदर्शित करता 24 फरलांग। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी इंच में है और ये भी इंच, क्योंकि सेंटीमीटर वाली इकाई में तो 0-0 रहते हैं लास्ट में, तो हमें पता लग गया कि ये इंच में है, तो क्यों ना एक बार हम इसमें भाग दें किसका सब, अगर 63,360 से ज़्यादा है तो आप कोशिश करो कि 63,360 का भाग दो, भाग दिया इसका ये गया 3 बार, तो इसका मतलब हमें पता लग गया इसमें 3 मील तो है, बिल्कुल ठीक है 3 मील है, तो केवल 4 जी नहीं भाई साहब, यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल, और ऑप्शन भी देखो आप, ये 8 फरलांग तो कट जाएगा, 3 मील आ गए, 3 मील में कितने फरलांग हो सकते हैं 24 फरलांग, ये भी तो सही होगा साथ में माय डियर फ्रेंड्स ये, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 और 4। तो ऐसे जल्दीबाजी में कई बार आंसर गलत होते हैं, अपन एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं दूसरे को चेक, ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लग गए जिसमें ऑप्शन आपको 3-4 देते हैं, ये UPSC का ट्रेंड है, और इस बार RPSC में लास्ट टाइम 2018 में भी लगा था, आप क्वेश्चन देख लीजिए, इस बार ऐसे 4 बार लग सकते हैं।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये है कि कुछ क्वेश्चंस कथन के रूप में भी आ जाते हैं कि तो फिर भी पता होना चाहिए कि मापक क्या है, मापक की कितनी विधियाँ हैं, कौन सी विधि की क्या विशेषता है, कौन सी जो स्केल है उसमें 3 यूनिट बताई जाती है, किसमें 2 बताई जाती है, क्योंकि आरपीएससी का भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करती है। तो इसलिए तैयारी आपको गहरी करनी है ताकि कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आ जाओ अब मैं करता हूँ स्टार्ट। पहले बता दिया मैंने कि क्वेश्चन क्या थे। देखिए मापक है, मापक किसे कहते हैं, धरातल पर यह मानचित्र होता है, मानचित्र के बीच में कोई 2 स्थानों की दूरी है, मान लो 2 सेंटीमीटर, लेकिन धरातल पर ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो हम क्या कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर को आरएफ में व्यक्त करेंगे तो दोनों मापनी एक जैसी होती है, मैंने अभी बताया। तो ये हो जाएगा 1 50 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो 50 में कितना हो गया, 50 लाख। तो इस प्रकार लाख इसमें आप 0 लगा देना, ऐसे व्यक्त किया जाता है, इसी को स्केल कहते हैं। देखो स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्केल इसलिए है कि हम इतने बड़े विश्व के इतने बड़ा कागज़ नहीं ला सकते, ठीक है। मान लो 50 किलोमीटर बताया अभी मैंने, तो 50 किलोमीटर का माप बनाने के लिए 50 किलोमीटर का कागज़ हो सकता है कि हमारे पास, नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना, तुलनात्मक रूप से उसको छोटा करना होता है कागज़ पर मानचित्र बनाने के लिए। देखो स्केल से जो चित्र बनाया जाएगा वो होता है मानचित्र, और विदाउट स्केल अगर आप कोई भी मैप बना रहे हो, जैसे मान लो ये मैप मैं बना देता हूँ कोई किसी का ही उत्तरी भारत का है, तो ये बिना स्केल है, इसको कहते हैं रेखाचित्र, ठीक है। तो मानचित्र क्या है, इसकी परिभाषा याद कर लो थोड़ा थोड़ा। वास्तविक मानचित्र वास्तविक दूरी और प्रदर्शित दूरी के अनुपात क्या होता है, मापक या स्केल कहलाता है। और इस मापक को 3 रूपों में, ये क्रेश कोर्स फिर कह रहा हूँ, स्पीड से चलेंगे तो ये कोर्स होगा, और उम्मीद मैं कह रहा हूँ आप जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर याद आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने जब पढ़ाया था तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे, मैंने बच्चों को हिंट भी किया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और वही मेरा अप्रोच इसमें रहेगा। कथनात्मक या शाब्दिक मापक, ठीक है, इसमें कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रदर्शित भिन्न मापक जिसको आरएफ भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एफआर के रूप में इसको लिखते हैं। और एक होता है रेखात्मक या रैखिक मापक। कथनात्मक मापक होता है जिसमें कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 480 किलोमीटर को, जैसे यहाँ पर, लेकिन ये बात तो इसमें क्या कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ इसकी बुराइयाँ भी है, ये हमने सॉल्व कर लिए थे। अब इसकी क्या कमियाँ हैं, गुण क्या है, कि समान आसानी से व्यक्त किया जाता है, जो समझता है वो आसानी से बोल के व्यक्त कर देता है, इसमें कोई कमी नहीं है। प्रत्यक्ष विधि है जिसे सीधे शब्दों में बोला जाता है, अभिव्यक्ति अच्छी होती है, बाह्य ग्रह होती है, अगला समझ भी जाता है जो भाषा का जानता है, ठीक है। दोष क्या है कि इसमें जो टाइम में गणना लगता है, और फिर क्या है कि इसमें कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वो कथन अगला देश समझे नहीं समझे, जैसे मान लो मैं हिंदी में व्यक्त कर देता हूँ तो ये अमेरिका में समझे या नहीं समझे, चाइना वाले समझे नहीं समझे, रशियन वाले समझे नहीं समझे, तो इसलिए थोड़ा कथन में दिक्कत होती है। उसके बाद आ गया आरएफ। आरएफ को मैंने बताया इसका फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले, दे दिया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दिया, ये भी ध्यान रखना ये फ्रैक्शन है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन, और इसको क्या करते हैं एक अनुपात भिन्न में, भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है, भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, शॉर्ट में प्रैब कहते हैं, और इंग्लिश में इसको आर एफ के रूप में इसको लिखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, और बटे में लिख दो या इसको अनुपात में लिख दो, ये चीज़ें सारी इसमें आती है। इसमें एक अंश होता है, एक हर होता है, ठीक है, और वास्तविक दूरी होती है इसमें। सदैव ये चीज़ याद रखने वाली है कि सदैव जो आपका अंश होगा वो एक होगा, जो मानचित्र या प्रदर्शित दूरी है, प्रदर्शित दूरी है मानचित्र की दूरी है, इसमें हर है वो कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, ये वास्तविक दूरी या धरातल की दूरी को बताई जाती है। इसमें मापक भिन्न या अनुपात के रूप में विकाया जाता है, इसमें कोई इकाई नहीं लिखी जाती, ध्यान रखना इसमें कोई इकाई नहीं है, अनुपात में लिख दिया 1:20। अब चाइना वाला कहेगा 1 चांग बराबर 20 चांग, फ्रांस वाला कहेगा 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इंग्लैंड वाला इसको कहेगा 1 इंच बराबर 20 इंच, रूस वाला इसको कहेगा 1 वर्ष बराबर 20 वर्ष। तो जिसकी जैसी सी इकाइयाँ हैं मापन की वो उसके अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकता है। तो ये आरएफ हो गया।